ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीतम कल्म शापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण सत प्रसंग जब हम विश्लेषण कर रहे थे तो हम देखा कि जीवन में समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। समस्या है हम अपना स्वरूप भूल गए, हमें कहाँ जाना है हम भूल गए, हम कितना महान है, कितना हमारा संभावना है, ये सब भूल गए। समाधान क्या है इसको याद रखना। इस मुहूर्त में हम अपना स्वरूप में सचेतन हो जाएंगे, समस्या खत्म। बद्ध अभिमानी बद्धो भवती, मुक्तो अभिमानी मुक्तो भवती। अगर हम अपने को बद्ध समझे तो हम बद्ध हो जाएंगे। इस मुहूर्त में आपने को मुक्त समझा, मुक्त है हमारा, तो कोई बंधन नहीं किया, बंधन एक कल्पना मात्र है। तो स्वामी जी कहते हैं कि आप ही आपके बंधन का कारण हो, इस रज्जु से आप बांधा हुआ है उसका प्रांत आपका हाथ में ही है, और रज्जु के बंधन खुलने का मालिक आप ही हो, छोड़ दो, मुक्त हैं। Thine only is the hand that holds the rope that drags thee on. Then cease lament and let thy hold. Sannyasin बोल, आप विलाप क्यों कर रहे हो? हम चारों ओर विलाप कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं, हम लोग कितना बंधन में है। स्वामी जी कहते हैं ये हास्यकर है, बिल्कुल अनावश्यक है। पहले तो सीज लैमेंट, ये जो शोक का जो तुम्हारा ये शिकायत, ये सब बंद किया जाए, अनावश्यक है। बी बोल्ड, लेट गो दाई होल्ड, सन्यासीन बोल्ड। जिस हाथ से आप अपने को बंद करके रखा है उसको छोड़ दीजिए। एक ओर से अपने को बंधन करोगे, दूसरे ओर से चिल्लाओगे हम बंधन है, आप ही बंधन का मालिक हो। इतना ही सहज है। और हम संगीत उद्धृत करके देखा, रविंद्रनाथ का संगीत जगत है आनंद जो ज्ञामान्य मंत्र, ये जो चारों ओर आनंद का जो भोज चल रहा है, फीस्ट ऑफ मर्थ, उसमें आई एम ए इन्वाइटेड गेस्ट, ऑनरेबल इन्वाइटेड गेस्ट, हम माननीय अतिथि होकर भिखारी के जैसे आचरण कर रहे हैं, ये शर्मनाक चीज़ है। और देवेंद्रनाथ मजुमदार का जो संगीत उद्धृत करके हम देखा कि प्रेम सागरे भाषी ने देना गा, जबी विषय अमन देशे जर पाशे नहीं गा, राम कृष्ण हमार प्रेमेर पाथार डूबले हुई भवो पार। श्री राम कृष्ण का प्रेम के सागर में डुबकी लगाओ, अमर हो जाओगे, आनंद में भरपूर हो जाओगे। तो अभी मैटर इज वेरी सिंपल, वी हैव कॉम्प्लिकेटेड इट। आपका प्रश्न होता है अगर ये सब चीज़ जब हम विश्लेषण करते हैं, देखते हैं अरे ये तो बहुत सहज मैटर है, हम लोग इसको इतना जटिल कर दिया, तो अगर इतना सहज है ये प्रश्न आता है हम कर नहीं क्यों पा रहे हैं, कोई तो बेवकूफ़ नहीं है। व्हेन द मैटर इज सो सिंपल व्हाई आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट इट। ये तो फैक्ट है जो हमारे जीवन में दुखों का कोई शेष नहीं है। जब क्या एक ओर से कहा जाता है आनंद के संतान है, ईश्वर आनंद हमारा जन्मजात अधिकार है, तो कौन हमें वंचित कर रहे हैं? ये तो विश्वास नहीं है जब मैं हमारा आनंद का
वंचित करने वाला हूँ, ठीक है हम छोड़ने चाहते हैं, हो जाए, लेकिन होगा नहीं। यह मामला, यह रहस्य जो भगवान ने सृष्टि रचना किया है, और सृष्टि में सृष्टि से निकलने का रास्ता बहुत सहज कर दिया, लेकिन वो निकलने का रास्ते में स्वयं खड़े हो गए, किसी को निकलने नहीं देंगे। यही है सूत्र, दिस इज द रहस्य, दिस इज द सीक्रेट बात है कि स्वयं भगवान नहीं चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाए, क्योंकि भगवान ने सृष्टि रचना किया है, अगर इनमें से सब फटाफट निकल के चले जाए, मुक्त हो जाए, तो सृष्टि बंद हो जाएगा। सृष्टि चलाने के लिए बंदोबस्त किया है ना, अगर सब व्यक्ति मुक्त हो जाए तो नाटक बंद कर देना पड़ेगा, भगवान नहीं चाहते। तो उन्होंने क्या किया है, हम सबको सम्मोहित कर दिया, वी आर ऑल मेस्मराइज्ड। स्वामी विवेकानंद कहते वी आर ऑल हिप्नोटाइज्ड, एंड जॉब इज टू डी हिप्नोटाइज आवर सेल्फ। हम लोग सब सम्मोहित है, हमारे सम्मोहन का तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो उपाय कुछ नहीं है। वी आर ऑल परफेक्ट, वी आर ऑल इन्फिनिटली जॉयफुल, फ्री, इंडिपेंडेंट, सब कुछ क्वालिटी जो हम अपना बारे में सोच समझते हैं, जो सोचते हैं कि असंभव होने पर भी बहुत वर्णीय, जितना भी गुनावली है वो कुछ गुनावली तो हम सोचते हैं ये हमारे पहुंच के बाहर है, कुछ हम सोचते हैं ये हम अपना सकते हैं। तो ये जो जितने भी गुनावली है जो हम अपनाना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, अगर वो करने में ईश्वर बाधक ना हो जाए। जो बंधन जो का जो जड़ है वो स्वयं ईश्वर है, एवं ये बात खुलासा स्वीकार किया, इस नॉट देयर छिपा के रख दिया, ये बात भगवान खुलासे शास्त्र में स्वीकार कर लिया, घोषणा किया, भगवद गीता चैप्टर 7:14 दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, बोल रहे हैं यद्यपि ये सृष्टि हमारा रचना है लेकिन ये अलौकिक है, एवं मैं जो हमारा ये अलौकिक आवरण माया रूपी आवरण का सृष्टि किया है वो सब कुछ आवरण करके रख दिया, एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर डिल्यूशन। और आवरण किसका आवरण है, अज्ञान का आवरण, नॉट ए रियल कवरिंग, एक फालतू नाम को वास्ते आवरण कर दिया, कुछ है नहीं, फोकस फोकस, लेकिन ऐसे मैजिक जैसे शो होता है वो इसी का आवरण कर दिया। मैजिक में क्या होता है, सब हम बैठे हैं मैजिक शो देख रहे हैं, लेकिन जादूगर क्या करते हैं, हमें हिप्नोटाइज कर देते, सम्मोहित कर देते, जो सफ़ेद है उसको काला दिखाई पड़ रहा है ड्यूरिंग दैट स्पेल ऑफ द मैजिक, और शो के बाहर आने से फिर काला काला दिखाएगा, सफ़ेद सफ़ेद दिखाएगा। अद्भुत इनका शक्ति रहता है मैजिशियन का, वो हमें सम्मोहित कर देते हैं फॉर सम टाइम। वो इसी भगवान हमें सब सम्मोहित कर दिया, कहते हैं हमारा जो माया हम रचना किया है तो ये मम माया, ये मेरा सृष्टि है, कोई दूसरा कोई दुश्मन सृष्टि नहीं किया, देयर इज नो सैटन हु हैज क्रिएटेड दिस इग्नोरेंस, ये भगवान का ही स्वयं का रचित है, इसलिए इतना पक्का है, और ये दैवी है, अलौकिक है, और इसके उपादान क्या है, गुणमयी, त्रिगुणात्मिका है। तो जिस सत्व रजस तम जो त्रिगुणात्मिका जो तीन गुण है यही माया का उपादान है। अभी मुश्किल क्या है, ये सत्व रजस तम जो त्रिगुणात्मिका जो कि माया का जो उपादान का कारण है, लेकिन हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। मुश्किल क्या है कि हम लोग भी त्रिगुणात्मिका माया का अधीन है,
वो भली बात ही समझ लीजिए, हियर इन लाइज दी एसेंस ऑफ और सोल्यूशन ऑफ लाइफ। भगवान जो कहते हैं, ठाकुर जो कहते हैं, भली बात ही समझना चाहिए, जो हमारे जो उपादान है, सृष्टि का जो उपादान है त्रिगुणात्मक का, वही माया का उपादान है। त्रिगुणात्मक का बोले दिया गुणमयी, और हमारा जो उपादान है वन का उपादान है, जो सृष्टि का उपादान है, तो आप अगर माया को हटा दे तो हमका हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। इसमें जो उन्होंने जो कर दिया भगवान, ईश्वर मायाधीश है, हम मायाधीन है, ईश्वर माया के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो मायाधीन है, मायाधीश है, वो माया का अधीश्वर है। माया इज अंडर इज कंट्रोल एंड वी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ माया, यही फर्क है। वो भी माया का साथ बीच अलग नहीं है, वो भी माया के साथ युक्त है, लेकिन माया उनके अंडर में है और हम माया के अंडर में है, ये मुश्किल है। तो यद्यपि हम माया के अंडर, माया का अधीन है, इसीलिए हम इच्छा, हमारा इच्छा अधीन नहीं है, हमारा चाहे डाय ना जाएगा नहीं जाए, माया में अलग देखे। तो श्री रामकृष्ण स्वयं शिकायत कर रहे हैं माँ के पास, जब देख रहे हैं स्वामी जी एकदम बालक रूप से सबको समाधान करने के लिए तत्पर है। ठाकुर कहते हैं ये दोष किया छे, माँ स्वयं इधर चौके बंधन रखे दिए छे, माँ स्वयं इनको आँखों में बंधन सृष्टि कर दिया, बंधन का पट्टी लगा दिया, इसलिए हम जो कुछ चीज़ें है देख नहीं पा रहे हैं, हमारा मिस कम्प्रिहेंशन होता है, इसीलिए हम गड़बड़ कर देते हैं। जो संसार में कभी सुख मिलेगा नहीं, हम देखते हैं संसार सुख का एक आधार है, जहाँ पर लेवल लगा हुआ है इस दुखालय अशाश्वतम, तो वहाँ पर अब सुख का तलाश कर रहे हैं। जहाँ वस्त्रालय है वहाँ पर कपड़ा ही मिलेगा, वहाँ पर दवा नहीं मिलेगा, इज नॉट अच्छा औषधालय कमें रॉन्ग एड्रेस, जहाँ वस्त्रालय है वहाँ पर कपड़ा ही मिलेगा। तो भगवान इसमें नोटिस लगा दिया दुखालय इस संसार को, यहाँ पर हम लोग सब सुख का संधान कर रहे हैं, जो कि सीमा शरद भी चेतना चेतावनी दे रहे हैं, बाबा एक ने सुख टुक पा जाए संसारे सुख किच नहीं, कथार कथा मात्र, बातों का बात है, लेकिन ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो संसार में सुख का तलाश नहीं कर रहे हैं, उसको आंखें बंद आंखें सम्मोहित है, जहाँ सुख का मिलने का कोई संभावना ही नहीं है, नेवर पॉसिबल, वहाँ पर हम लोग प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर सुख का संधान कर रहे हैं। ये बेवकूफ़ी का कारण क्या है, तो भगवान स्वयं हमारा दृष्टि अच्छन्न कर दिया। तो ठाकुर माँ को पास शिकायत कर रहे हैं, देखो ये कोई नए माँ, देखो तुम सबको तुम्हारा आँख में पट्टी लगा दिया। आओ ठाकुर कहते पट्टी मतलब क्या है, कहते पट्टी में न केवल पट्टी लगे, मजबूत पट्टी लगाया और उसमें 8 स्क्रूप लगा दिया, 8 स्क्रूज, इतना जबरदस्त करके, लेकिन एक दो होने से हम उसका निकाल सकते हैं, 8 स्क्रूज यू आर बाउंड, चार चार करके दोनों साइड 8 स्क्रू में टाइट कर दिया, हम कैसे उसको खुलेंगे। 8 स्क्रू क्या है, अष्टपाश, इसलिए कहा जाता है पाश बद्ध जीव पाश मुक्त शिव, शिव जी जो है भगवान जो है पाश मुक्त है, इसलिए उसको पाशी कहलाता है, पाशु पशुपति पाश मुक्त है, और हम लोग पाशबद्ध है, 8 स्क्रू में लगा हुआ है। ये जो हमारा पास जो 8 स्क्रू है, इसके माध्यम से हम आबद्ध हो गए, हमारा दृष्टि अच्छन्न हो गए, यही बात है, वी आर नॉट एबल टू सी कॉम्प्रीहेंड। और ये जो 8 स्क्रू वाला जो आवरण है, इसी को माया कहलाता है, माया कहलाता है, ये दैवी है अलौकिक है, वो कोई इसको व्याख्या नहीं कर सकते व्हाट इट इज। तो अभी लेकिन इसको अस्तित्व अस्वीकार नहीं कर सकते हो। तो 8 स्क्रू क्या है और हम कैसे इसको अतिक्रम करेंगे, इसके विश्लेषण हम
अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज नवरात्रि का द्वितीय दिवस है, दुर्गा पूजा आसन्न प्राय। इस अवसर पर आज शारदा संघ का माँ की मधुस्मृतिया की प्रस्तुति, दुर्गा पूजा के पहले शेष अधिवेशन है, इसके बाद आगे नवंबर आठ से शुरू होगा दुर्गा पूजा का हॉलीडे, पूजा हॉलीडे। शाम को संध्या आरती के उपरांत पतंजलि योग सूत्र का प्रवचन। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।